व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। सो यार, आज की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाला हूं ओप्पो रेनो 6 स्मार्टफोन की। और दोस्तों, देखने वाले हैं कि कैसा स्मार्टफोन ये आप सबके लिए रहेगा। साथ ही दोस्तों, हम बात करेंगे कि फोन की प्राइस क्या रहने वाली है और कब तक आपको इंडिया में देखने को ये मिलने वाला है। तो यार, फटाफट से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको इसी तरह के टेक वीडियोज हमेशा मिलते रहे। तो यार, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से ओपन करते हैं बॉक्स को और देखते हैं कि बॉक्स कंटेंट में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है और जो हमारा स्मार्टफोन होगा उसका डिजाइन वगैरह कैसा रहने वाला है। बॉक्स को ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हमें एक लीड देखने को मिलती है। इसके अंदर दोस्तों आपको एक इजेक्टर फिन देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बैक कवर और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अगर बैक कवर की दोस्तों हम बात करें तो बैक कवर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। सो यार, इसको रख देते हैं दोस्तों साइड में और बात करते हैं दोस्तों कि बॉक्स कंटेंट में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम अपने डिवाइस को उठा के रख देते हैं दोस्तों साइड में, इसके भी हम बाद में बात करेंगे। पहले देखते हैं दोस्तों कि बॉक्स कंटेंट में आपको क्या कुछ और देखने को मिलता है। तो यार, ये एक पेज टाइप का मिल जाता है, इसको साइड में रखते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको एक USB-C टाइप की डाटा केबल देखने को मिल जाती है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको 65 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जिसके साथ दोस्तों काफ़ी जल्दी आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। सो यार, बॉक्स कंटेंट में कुछ इतना ही मटेरियल आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं दोस्तों अपने डिवाइस की। सो यार, यहां पर निकाल लेते हैं इसको पन्नी में से और दोस्तों कुछ इस टाइप का डिवाइस दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है। अगर फ्रंट साइड की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 6.43 इंचेस की आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि एक एमोलेड डिस्प्ले और फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आती है। इसके साथ ही दोस्तों, इस फोन की डिस्प्ले में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस दोस्तों इस फोन की रहने वाली है। अगर डिस्प्ले में कटआउट की हम बात करें तो यहाँ पर एक पंचोल का कटआउट है, जिसके अंदर सेल्फी कैमरा लगा होगा, जो कि 32 मेगापिक्सल का होगा। तो यार, काफ़ी अच्छी कैमरा क्वालिटी इस फोन की सेल्फी कैमरे में रहने वाली है और काफ़ी अच्छी दोस्तों यहाँ पर आप सेल्फीज और वीडियो कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं। अब गाइस, अगर हम बात करते हैं फोन की बैक साइड की, तो यार बैक साइड में कुछ इस टाइप का डिजाइन दोस्तों इस फोन का रहने वाला है, जिसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसका मेन कैमरा होगा 64 मेगापिक्सल का। इसके साथ ही दोस्तों 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस आपको देखने को मिल जाता है और साथ में 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर भी यहाँ पर दिया गया है। अब गाइस, अगर हम बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की, तो यार यहाँ पर आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 900 चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों एक गेमिंग चिपसेट है। तो यार, काफ़ी अच्छी गेमिंग वगैरह आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको रैम के 2 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जिसमें 8GB रैम और 12GB रैम होंगे, जो कि 128 और 256GB तक की स्टोरेज के साथ में आएंगे। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर आप 1TB तक माइक्रो कार्ड की मदद से इसकी स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं। तो यार, काफी अच्छी दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस इस फोन की रहने वाली है। अब गाइस, अगर हम बात करते हैं फोन की बैटरी की, तो यार यहाँ पर आपको 4300mAh की एक बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 65W के फास्ट चार्जिंग के साथ में आती है। तो यार, बैटरी बैकअप भी काफ़ी ठीक ठाक इस फोन का रहने वाला है और दोस्तों 65W का फास्ट चार्जर है, तो यार काफ़ी जल्दी आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। अगर कुछ और डिटेल्स की अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पर आपको इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको 3.5mm का ऑडियो जैक और USB टाइप सी का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पर वर्क करता है, तो 5G कनेक्टिविटी के साथ में काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब गाइस, अगर हम बात करते हैं फोन की प्राइसिंग की, तो इस फोन का जो 8GB वाला वेरिएंट होगा वो आपको मिलेगा 30,000 के आसपास। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको 12GB वाला वेरिएंट चाहिए तो आपको 35,000 के आसपास यहाँ पर पे करने होंगे। अगर लॉन्च डेट की हम बात करें तो ये स्मार्टफोन 14 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। सो गाइस, ये थी अनबॉक्सिंग ओप्पो रेनो 6 5G स्मार्टफोन की। आप हमें बताइए आप इस फोन के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप इस फोन को लेने में इंटरेस्टेड होंगे। अगर आपका कोई और भी कमेंट हो तो दोस्तों आप वो भी लिख सकते हैं। फिलहाल गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के टेक वीडियोज हमेशा मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।